हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक हील। आज हम देखेंगे कि पर्सनालिटी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम सबकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है और हम उसके बारे में जान सकते हैं, कैसे देखते हैं। पर्सनालिटी नंबर होता क्या है कि आप किस तरह से लोगों के सामने अपेयर होते हैं और वो जब आपसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उनको क्या चीज़ आपके बारे में लगती है। आप बहुत शॉर्ट टाइम में समझ पाते हैं कि आप कि वो सामने वाला जो पर्सन है किस तरह का है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, कि किस तरह का उसका पर्सनालिटी ट्रेट है और आप किस तरह से उसे परसीव कर सकते हैं। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपना जो बर्थ नेम होता है उसके हमें जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको लेना है। बर्थ नेम क्या होता है? बर्थ नेम जो भी आपका जब आप बॉर्न हुए थे उस टाइम जो भी आपका नेम था विद सरनेम, उसके बीच में कुमार या और कुछ नहीं लगाना है आपको, जूनियर सीनियर स्टार्टिंग में कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ योर फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। अगर कोई मैरिड पर्सन है, लाइक गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होती है तो उनको बिफोर मैरिज वाला जो नेम है वो ही लेना है। और उसमें जितने भी कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जितने भी वॉवल्स हटा के जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उनके नंबर्स को हमें काउंट करना है। वो देखते हैं हम कैसे करना है उनको, फिर हमें एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। हर लेटर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, तो 1 से लेकर 9 तक आप देखेंगे कि 1 के अंडर ए जे एस आ रहा है, 2 के नीचे बी के टी आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आपको कैसे, जैसे आपने राज वर्मा है किसी का नाम, तो आर किसके अंडर आ रहा है, R is coming under 9, so हमने 9 ले लिया। A vowel है उसको तो हम नहीं लेंगे। J is coming under 1, V is coming under 4 and E is a vowel तो हम उसको नहीं लेंगे। R comes under 9 again and M comes under 4, A is again a vowel तो उसको हम नहीं लेंगे। So in this case it comes to 9 plus 1 plus 4 plus 9 plus 4, 27, 2 plus 7 is equal to 9. हमें इसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज़ वेरी ईजी, आप इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट फ्लैशिंग कि नंबर 1 पर्सनैलिटी ट्रेट किस तरह का होता है, जस्ट गो थ्रू दैट। दिस इज फॉर पर्सनैलिटी नंबर 2, दिस इज फॉर पर्सनैलिटी नंबर 3, personality number 4, number 5. So you can easily calculate your numbers and find out about others also, you can find out easily. Number 6, number 7, number 8, number 9. So this is how we calculate personality of people. एंड इसमें जो हम दो टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी होती हैं, चाल्डियन एंड पाइथागोरियन, तो इसमें पाइथागोरियन को यूज़ कर रहे हैं। चाल्डियन में नंबर 9 नहीं होता है, सिर्फ 8 तक कैलकुलेशंस होती हैं। कुछ लोगों का नंबर 2 से पहले अगर 11 आता है तो उसको हम इम्पॉर्टेंट नंबर बोलते हैं, तो उसको भी हम काउंट करेंगे, मास्टर नंबर बोला जाता है। फॉर 4 पीपल इट कैन बी 22. Thank you for watching. Keep asking queries if you have any. Thank you.